आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया और समय हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबर का, तो नजर डालते हैं इस खास खबर पर। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की सूची लगातार जारी हो रही है और इसी क्रम में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने घोसी सीट से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया है और लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि सब्जी बेचने वाले के बेटे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, मतलब सबका विकास सबका साथ इस दौरान उन्हें नजर आ रहा है। विजय ने कहा है, पार्टी ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे पिता मुंशीपुरा के निकट फुटपाथ पर सब्जी बेचते थे। मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, साथ साथ लोगों के लिए जो काम करना है मैं हर तबके के लिए काम कर सकूंगा। विजय के पिता नंदलाल राजभर सब्जी बेचते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार सभी तबके से लेने की कोशिश की है उम्मीदवारों को, और अब विजय का नाम आने से जहां विजय में हर्ष है वहीं स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि विजय इस क्षेत्र से बीजेपी को विजय दिला देंगे।